भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को स्वास्थ्य पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उनके द्वारा जन स्वास्थ्य केंद्र योजना आयुष्मान भव के तहत 20 सितंबर बुधवार को गांव चावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वृद्ध शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 20 आयुष्मान कार्ड वितरण किए गए और पात्र लोगों के 5 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कैंप का फीता काट कर महानगर उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे कुमेरपुर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह सिकरवार, महामंत्री राजेश उर्फ गोरू चौधरी, मानवेंद्र सिंह चौहान जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान चावली राज बहादुर सिंह, बीएस चौहान, जितेंद्र चौहान उर्फ जीतू, डॉक्टर स्वास्थ्य प्रभार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर योगेश अग्रवाल, फार्मासिस्ट राजेश बघेल, राजकुमार सिसोदिया CHO रवि एवं प्रशांत कुमार मौजूद रहे। मैं नीरज गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आगरा। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चावली पर मुझे को अतिथि के रूप में भेजा गया है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर शिविर पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जो पूर्व में बने हुए हैं उनको वितरित करने का और नए आयुष्मान कार्ड बनाने का और प्लस दवाइयाँ निःशुल्क चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया गया है। आज कितने कार्ड वितरण किए गए और कितने नए बनाए गए? लगभग अभी हमारे सामने 15 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और काफ़ी संख्या में हमारे पास नहीं कितने, और जो लाभार्थी हैं वो लेने आ रहे हैं और लाभार्थियों को लगातार डाटा फीड किया जा रहा है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ वजह से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। विक्रम सिंह सिकरवार, मंडल अध्यक्ष कुबेरपुर भारतीय जनता पार्टी। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चावली पर क्या कार्यक्रम रखा गया? ये माननीय प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा रखा गया। यहाँ क्या आयुष्मान भव की योजना चालू की गई है, जिससे सभी लाभार्थी जिनके राशन कार्ड में 6 सदस्य होंगे उनके सभी के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। यहाँ बनाए भी जा रहे हैं और वितरण भी किए जा रहे हैं। यहाँ निःशुल्क दवाई भी बांटी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य है कि जितने भी हमारे जो भी गरीब हैं वो मतलब इलाज के अभाव में ना उनकी जान जाए ना उनका कोई जोखिम हो, इसी के उपलक्ष्य में ये आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि आयुष्मान कार्ड बन जाते हैं, कार्ड बन जाते हैं कोई लाभ नहीं मिलता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे वो इसका लाभ ले सकते हैं? नहीं, अभी जो पहले जो हमारे जो आयुष्मान कार्ड बन रहे थे वो 2011 की जनगणना के हिसाब से बन रहे थे, लेकिन अभी जो नया प्रोसेस चालू किया गया है उसमें सभी जो भी राशन कार्ड धारक है जिनके जिस राशन कार्ड में 6 सदस्य अंकित हैं उन सभी के आयुष्मान कार्ड बनेंगे और इसमें 5 लाख तक का बीमा है, 5 लाख तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप करा सकते हैं। डॉक्टर योगेश अग्रवाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हूँ। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज आयुष्मान भव के अंतर्गत एक यहाँ पे मेले का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आयुष्मान कार्ड जिन लाभार्थियों के बन चुके हैं उनको वितरित किए गए और जिन लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनने थे वो बनाए गए, बाकी सभी तरह की बीमारियों के दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। आयुष्मान कार्ड का लाभ कैसे ले सकते हैं? आयुष्मान कार्ड का जो भी जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं और जो बीमारी PSC CSC पे ट्रीट नहीं हो सकती है या कोई घातक बीमारी है तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में उस कार्ड से लाभ ले सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ मरीज हैं जो यहाँ से गए थे, जैसे कि आगरा में 2 हॉस्पिटल है, शिरजी हॉस्पिटल भी गए थे, चौहान हॉस्पिटल गए थे, वहाँ ये कार्ड मान्य नहीं किए गए थे, तो क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, अगर उन लोगों ने कार्ड को अपडेट कराया हुआ होगा और जिस हॉस्पिटल से कार्ड का टाई अप होगा तो वहाँ पे वो आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज किया जाएगा। आगरा में कितने आयुष्मान कार्डों से हॉस्पिटल टाई अप? लगभग मेरी जानकारी में जो है 26 हॉस्पिटल जो है जो आयुष्मान कार्ड से टाई अप है। जैसे एक दो जो जिसका नाम जैसे श्री कृष्णा है, गोयल सिटी हॉस्पिटल जो कि रामबाग पे है, अगर हम आगरा की तरफ अंदर जाएंगे तो वहाँ पुष्पांजलि जैसे बड़े हॉस्पिटल भी, रवि हॉस्पिटल जो आयुष्मान कार्ड से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और क्या एक जानकारी देना चाहोगे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? मैं लाभार्थियों से यही कहूँगा कि अपना जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है वो सीख से सीख उसको प्राप्त कर लें और जो लिस्ट में जिन लोगों का नाम है वो अपने कार्ड को बना के अपडेट करके रखें। पंचायत चावली प्रधान राज बहादुर सिंह। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चावली पर क्या कार्यक्रम रखा गया? आज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान कार्ड के बारे में प्रोग्राम रखा गया है और उसमें कार्ड बन रहे हैं अभी और 20 कार्ड बट चुके हैं और अभी नए और बन रहे हैं और कार्यक्रम पूरा अभी चालू है। अच्छा, डॉक्टर स्टाफ और यहाँ के जो कार्यक्रम चल रहा है क्या सही चल रहा है, आपके देख रेख में क्या चल रहा है? हमारे स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर साहब सब बढ़िया हैं और अपने टाइम से आते हैं और दवाई दूरी अपने हिसाब से देते हैं और उनका व्यवहार भी बढ़िया है और बहुत बढ़िया आदमी है।